नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और मेरे साथ है अर्को। और क्या गाने बनाते हैं आप। गुम हो जाते हैं और आपको समझ में ही नहीं आता है। हाउ यू अर्को, हाउ इज लाइफ? आई होप आप बहुत सारे गानों के बीच में से मैं आपको नी ऐसे खींच कर निकाल कर लेके आई हूँ। नहीं, एक ही गाने के बीच में से ना, बहुत सारे नहीं। Today we were working on in studio actually. I just finished. I just came. How are you? Lovely to talk to you finally. Finally. And yes, and thank you so much for the beautiful introduction. यस अर्को, आपके इतने सुंदर सुंदर गाने आए हैं। मुझे ये बताइए, आज जिस मकाम पर आप पहुंच गए वहां पर हैप्पी हैं? We're happy, of course. काफी reasons है और yes, there's a sense of peace. There's a sense of थोड़ा मतलब वो पहले क्या होता था जब हम आए कलकत्ता से, तो बिफोर गेटिंग वैलिडेशन, बिफोर जब आपको सिर्फ लगता है कि आप यू आर वेरी गुड, बट प्रमाण करना बाकी है, सब तक पहुंचना बाकी है, वो तभी एक रेस्टलेसनेस होता है। वो अभी नहीं है। दैट्स अ गुड थिंग, बट देयर इज सो मच मोर दैट इज टू बी डन एंड द नेक्स्ट ईयर इज सो मच इज कमिंग दैट वी आर एवरी डे इन स्टूडियो with my full team preparing all the songs and all the material that's going to come out. Okay, अर्को, आपसे ना एक बड़ी दिली तमन्ना है पूछने की, पहली बार कब आपको ऐसा लगा कि मेरे अंदर एक म्यूजिक सरस्वती बसती है, उनके एक आशीर्वाद मेरे सिर पर है? What was that first moment for you? ये actually exactly ऐसे नहीं लगा था, but इन स्कूल में मैं गाता था, हमारे फैमिली में एज अ हॉबी, लाइक एवरीबडी सिंग्स, बट स्कूल में फिर वो फेस्ट होने लगे, कॉम्पिटिशन। सो आई वाज इन डॉन बॉस्को, बॉस्को बीट, बॉस्को राग, फिर दूसरे स्कूल्स के फेस्ट। तो वहां पे म्यूजिक से पहली बार गाना ऐसा लगा कि मैं गा सकता हूँ या बजा के कुछ सुना सकता हूँ लोगों को, ये पहली बार लगा। बट मैं गाने बना सकता हूँ प्रोफेशनली, वो मुझे कॉलेज में शायद व्हेन आई वाज आई थिंक 1920 सेकंड ईयर के लगभग 19 आई वाज 19 इयर्स ओल्ड। अरे बाप रे, आई वाज इन सेकंड ईयर, या। अरे बाप रे। और फिर मुंबई आने के बाद हाउ वाज इट? क्या सफर बहुत आसान रहा या बहुत ज्यादा घूमना पड़ता है? हाँ, राइट। शुरू में एक्चुअली मुझे लगता है वो जरूरी भी है, क्योंकि यहाँ कोई डिग्री नहीं है, तो अगर आके फट से मिल जाए तो एक्चुअली काफी चीजें समझ में भी नहीं आती। तो आई थिंक एक देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ स्ट्रगल, सो कॉल्ड स्ट्रगल, इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड, टू वैल्यू इट, टू आल्सो हैव अ जजमेंट ऑफ पीपल, क्योंकि आप बाद में इतने सारे किस्म के लोगों से मिलोगे और मिलना ही पड़ेगा कि एक काइंड ऑफ जजमेंट क्रिएट करना भी जरूरी है, बिकॉज यहाँ कोई रूल्स तो नहीं है, सेट रूल्स कुछ है नहीं। इट्स अ वेरी, हाउ डू आई से, वेरी फ्लूइड इंडस्ट्री, सो वन हैज टू बी, सब कुछ खुद ही करना पड़ता है इन अ वे। सो बिल्कुल। अच्छा, आपसे जब मेरी बात हो रही थी तो हम बात कर रहे थे तेरी मिट्टी वाला जो सॉन्ग है, उस सॉन्ग के बारे में। इट इज, आई थिंक, इतना देशभक्ति को सामने रखते हुए कोई गाना आता है, मेरे हिसाब से बहुत अरसे बाद ये वाला गाना आया था। मुझे थोड़ा उस बारे में बताइए। बहुत सुंदर गाना है अर्को, बहुत सुंदर गाना है, सच बताइए क्या 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 दिमाग में था ये गाना? I know, because अभी ऐसा हो गया कि जहां भी मैं जाता हूँ, इवन इन आई जज दिस NRI सिंगिंग कॉन्टेस्ट इन शिकागो, वहां भी तो जितना दूर भी हो सब लोग इस गाने की ही बात करते हैं, तो सबके दिल को छुआ है। सो आई एम वेरी वेरी लकी। इट्स एक्चुअली इट्स गॉड्स ब्लेसिंग्स, बिकॉज ऐसे गाने आई मीन बार बार तो नहीं बनते, इट हैपेंस, एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस एंड द यूनिवर्स हेल्प्स यू क्रिएट सच अ थिंग। मुंतशिर's lyrics and the film, how the film worked out, Akshay sir and Karan sir, and how B Prak sang and how Adi has done the musical arrangement, to my entire team, सबका काम मिलके ये इतना अच्छा गाना हो सकता है। So it's just God's blessings, and in my career, अभी लोग पहले जैसे मुझे बोलते थे तेरे संग यारा हो जाए या नज़म या जोगी या अभी अभी या ऐसे गानों के नैनों ने बांधी, ये सब गाने सब रिक्वेस्ट करते थे, रोमांटिक सॉन्ग मोस्टली। बट इसके बाद वो सब थोड़ा सा सेकंड हो गया है, सेकेंडरी हो गया है सबका। पहले सबका तेरी मिट्टी मन में आता है, सो which is a big pleasure wherever I go, most importantly because it's patriotism एक emotion है जो actually एकदम बचपन में बच्चों को थ्रू एडुकेशन थ्रू स्कूल मन में रहता है, फिर बीच में कहीं हम सब भूल जाते हैं, यू नो वी गेट बिजी विद आवर लाइव्स, सबका इंडिविजुअल स्ट्रगल्स, एग्जाम में टॉप करना है, फिर कॉलेज में टॉप करना है, फिर नौकरी अच्छा मिलना है, फिर ये, तो देन दैट व्हाट this thing goes out of the mind of a individual on a daily basis. पर ये हम सबके मन में है और किस लेवल पे है वो हमें पता चलता है कि पेट्रियोटिक गाने पे अगर इस किस्म के व्यूज हैं जो यूजुअली डांस गाने पे होता है या लव सॉन्ग पे होता है, तो मतलब लोग उतना बार देख रहे हैं, उतना बार सुन रहे हैं, सो इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, दैट मीन्स एवरीबडी फील्स इमोशनल अबाउट देयर कंट्री। अरे बिल्कुल, मैं स्पेसिफिकली आपसे जब बात ने कर भी रही थी तो पवनदीप राजन जो कि इंडियन आइडल 12 के विनर हैं, वो अपने जितने भी शोज में जाते हैं उनका एंड गाना ये होता है और 1000% श्योर हर एक की आंखें भीग जाती हैं। कभी मौका मिला आपको पवनदीप का सुनने का गाना? तो हाँ, मैंने अभी तक मिला नहीं हूँ मैं पवनदीप से, बट हिमेश दा ने मुझे बोला है और मैंने खुद टीवी पे सुना है, काफी बार सुना है उसको, और ये तेरी मिट्टी भी मैंने सुना है उसका वर्जन, बहुत दिल से गाता है वो, और उसकी आवाज में एक ब्यूटीफुल एक इनोसेंस है जो मुझे लगता है कि ही विल गो वेरी फार। ये गाना भी उसने बहुत दिल से, बहुत प्यार से और यू नो जतन से, हम कहते हैं जतनो गोरे, जतन से गाया, बहुत ही प्यारा। अभी एक इनफैक्ट क्लिप भी वायरल हो रहा था कि कैसे अफगानिस्तान का एक जो टैक्सी ड्राइवर है वो पवन का ये गाना सुन रहा था। मुझे बताइए, जब आपका एक गाना उस लेवल पर चले जाता है जहां पर एक टैक्सी वाला हो या एकदम आम इंसान जो स्ट्रगल करके शायद जिंदगी जी रहा है लेकिन आपके गाने को सुन के खुश हो जाता है, हाउ डज इट फील? इट ट्रूली फील्स कि जितना भी जद्दोजहद या जितने भी डाउट्स थे वो एक्चुअली वैलिडेटेड हो जाते हैं कि नो, आई मीन आई शुड हैव डन म्यूजिक एंड म्यूजिक, बिकॉज म्यूजिक एक ऐसी चीज है जो यू नो इट्स नॉट समथिंग कॉन्क्रीट, राइट, यू आर मेकिंग समथिंग आउट ऑफ थिन एयर, सो उसको वैलिडेट करना एक ही तरीका हो सकता है कि जो सबके दिल को छुआ, क्योंकि ऐसा कोई तो मात्रा नहीं है कि समझना कि ये अच्छा है और वो अच्छा नहीं है या ये बुरा है, ऐसा कोई सेट रूल्स नहीं है। तो आई थिंक that the greatest gift God has blessed me and my whole team with is that I could make a composition like this, we could make a song like this, and log aaj bhi in fact maine pehle I think ek saal pehle Baluchistan ka bhi ek version is gaane ka aaya hua hai jahan pe Baluchi singers unke bhasha mein unke folk style mein wo kind of almost 6-8 gaate hain wo log, वैसे type ke style mein वो लोग बैठ के उन्होंने परफॉर्म किया है। फिर एक अफ्रीकन एक वर्जन है, एक ब्रिटिश एक बच्ची है वायलिन बजाती है इस गाने का, वो भी एक बहुत प्यारा वर्जन है। तो ऐसे मतलब हजारों, मनोज मुंतशिर हु इज माय वेरी क्लोज फ्रेंड एंड लिरिसिस्ट ऑफ दिस सॉन्ग, मनोज इज यू नो वेरी गुड विथ एक्सप्रेसिंग, टॉकिंग टू द पब्लिक एंड बीइंग ऑन यू नो गिविंग करेक्ट आंसर्स टू एवरीथिंग ऑन सोशल मीडिया। तो मनोज पहले शेयर करता था जो बेस्ट होते थे एंड वी ऑल यूज्ड टू एंजॉय इट सो मच। बहुत प्यार मिला इस गाने के लिए एंड थैंक यू टू ऑल द ऑडियंस जो देख रहे हैं। मतलब पहले मैं दूसरे गानों के लिए बोलता था, बट सब गानों के लिए, सारे गानों के लिए, मतलब ये हिट की वजह से नहीं, पर इस गाने पे जो अभी तक, और लगता है कि शायद एक साल में रिलीज हुआ है जबकि 3.5 साल हो गए। Yes. एक बात बताइए अर्को, आप रोए थे इस गाने को सुन के? एक्चुअली सभी रोए थे ये गाने को सुन के, मतलब बट हमने तो आई थिंक कई बार ऐसा होता है यू गेट चोक्ड एट सम प्लेस, यू नो, तो वो आई थिंक इस गाने पे हम सबके साथ हुआ है। इनफैक्ट अक्षय सर के साथ हम सबके सामने हुआ है, करण सर तो वैसे भी आई मीन ही इज इमोशनल, बट अक्षय सर के साथ हमारे सामने ही हुआ था। मुंतशिर तो इमोशनल है ही, वो रोएगा ही, वो तो लिखते वक्त भी रो रहा था। वो यूके से मुझे फोन करके, फोन पे ही वाज लाइक मैं तो रो रहा हूँ लिखते लिखते। सुबह उसका सुबह था, मेरा दोपहर था। एंड ही वाज राइटिंग इन यूके, ही वाज देयर फॉर सम शोज। तो वो आधा, वो अंतरा, दो अंतरा वो लिख के मुझे फोन किया था उसने। तो बहुत रुलाया हमको। और इनफैक्ट इसमें जोक्स भी रोने पे ही बहुत सारे हैं। यू नो, वन ब्रिगेडियर हैड टोल्ड मी इन यूएस ओनली दैट उत्तर, मेरे दो बच्चे इतने बदमाश हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा मुझे सिर्फ आपने रुलाया। अरे बाप रे। So there are a lot of funny anecdotes, but you know we are very lucky, very fortunate. Yes. चलिए, हम आशा करते हैं कि ऐसे बहुत सारे सुंदर सॉन्ग्स आपकी तरफ से और भी हैं, बिकॉज अर्को अब ना आपसे एक्सपेक्टेशंस थोड़ी ज्यादा बढ़ गई हैं, so you give us beautiful songs, we are waiting. Actually उसके बाद मैंने भुज फिल्म में जो अजय देवगन सर की वो देश मेरे, वो गाना भी दिया। फिर सत्यमेव जयते में भी जो टाइटल सॉन्ग था वो मेरा गाना था। पर इसका एक्सपेक्टेशन इतना हाई है। अभी मिशन मजनू में जो सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म, उसमें जो पेट्रियोटिक गाना है वो मेरा आ रहा है। तो हर बार द एक्सपेक्टेशन इज स्टिल ऑलवेज विद तेरी मिट्टी, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट लेट्स सी इफ पीपल। हम ज्यादा प्रेशराइज कर देते हैं क्या आप म्यूजिक डायरेक्टर्स को? ऐसा हो जाता है क्या? अभी वैसे सोचते ही नहीं है, अब वैसे सोच के कुछ नहीं फायदा। चलिए, थैंक्स अ लॉट एंड थैंक यू, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।